फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक और नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को लिए पार्ट 6 लेकर के आया हूँ शहरी वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स। चलिए आज का कीवर्ड्स हम शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर के बटन दबाकर आप हमारे चैनल का मेंबर बन जाइए, ताकि मैं जब भी इस तरह का कीवर्ड्स लाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकें। तो दोस्तों, अगर आपने ये दोनों कीवर्ड्स नहीं देखा है, ये दोनों पार्ट्स, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं वीडियो एक ही दिन शूट कर रहा हूँ, इसीलिए आपको और सीरीज़ के वीडियो ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं चाहता था एक ही वीडियो में सब बना सकता था, लेकिन उससे आपका भी टाइम वेस्ट होता, प्लस में आप लोग वहाँ पर बोरिंग फील करते हैं। इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ, तो या 10 पार्ट तक जाएगा। तो आज का हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड है, आप यहाँ पे, आपको कीवर्ड्स बताने से पहले एक अपडेट दे देता हूँ कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अभी हमारे कोर्स 50% ऑफ चल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट प्राइस में आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कीवर्ड रिसर्चिंग से रिलेटेड। आप वहाँ पे जा सकते हैं और आराम से वहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, यहाँ पे 7903038318 पे यहाँ पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ पे आपको किसी भी तरह से जानकारी चाहिए तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो चलिए, आज का मैं हमारा नेक्स्ट और पहला कीवर्ड्स है, यहाँ पे देख सकते हैं लव क्वार्ट्स इन हिंदी। लव क्वार्ट्स इन हिंदी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लव क्वार्ट्स इन हिंदी। इसका CPC देख सकते हैं 0.25 है। यहाँ पे क्लिक्स इतना है, वो भी ऑर्गेनिक 98% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे थोड़ा इजी है बिल्कुल। यहाँ पे 5 से 7 बैकलिंक, थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं आप लोग तो अच्छा आपका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मिलने वाला है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब LSI कीवर्ड्स है, ये सब देख सकते हैं, ये सब भी अच्छी खासी यहाँ से भी आप ज्वाइन यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये सब यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे DR जो है, आप यहाँ पे अगर नज़र नहीं आता हो तो डोमेन रेटिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 है। और यहाँ पे UR देख सकते हैं, ये भी 0 है। बैकलिंग देख सकते हैं बिल्कुल 0 है, और डोमेन बिल्कुल 0 है, यानी कि एक भी डोमेन से बैकलिंग नहीं दिया है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर पे रैंक कर रहा है। अगर आपका DR एक भी परसेंट है ना, 0.1 भी है, तो भी आप आराम से टॉप में एकदम रैंक कर जाइएगा अगर इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं तो। लेकिन शर्त यही है कि आप सभी को इस जो ये वेबसाइट है उसके जैसा आपको वहाँ पे कीवर्ड्स उसके जैसा आपको लिखना होगा, तभी आप शायरी लिखना होगा, तभी आप रैंक कर सकते हैं, अन्यथा आप रैंक नहीं कर सकते। क्योंकि गूगल चाहता है कि हमेशा हाई क्वालिटी का कंटेंट मिले, तभी आप रैंक कर सकते हैं इस कीवर्ड पे। और इस कीवर्ड आपको कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि लव कभी बंद नहीं होगा तो कीवर्ड्स भी कभी बंद नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग यहाँ पे सर यहाँ पे इस पे काम कर सकते हैं। आज का नेक्स्ट कीवर्ड हमारा जो है एटीट्यूड स्टेटस फॉर गर्ल, यानी कि लड़कियों के लिए घमंड का जो होता है हिंदी में बोले तो एटीट्यूड स्टेटस फॉर गर्ल। यहाँ पे देख सकते हैं इनके ऊपर, और इनका आप सर्च वॉल्यूम पर मत जाइए, यहाँ पे आप CPC पे जाइए। CPC आप देख सकते हैं कितना हाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं CPC कितना हाई है, यहाँ पे कौन कौन से वेबसाइट रैंक है यहाँ पे देख सकते हैं, और कितना DR वाला भी रैंक है, DR वाले भी रैंक है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है आपको यहाँ पे रैंक करना, आप बहुत ही आसानी से रैंक कर सकते हैं अगर हाई क्वालिटी के बैकलिंक प्लस में हाई क्वालिटी कंटेंट। बैकलिंक छोड़िए, पहले कंटेंट अगर आप हाई क्वालिटी लिखते हैं, अपने से लिखते हैं, तो आप रैंक कर सकते हैं टॉप में। और यहाँ पे आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप ग्राफ पर मत जाइए, आप यहाँ पे कीवर्ड्स पे जाइए, क्योंकि ये सब कभी बंद होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को चाह के आज ये सब कीवर्ड आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें मीडियम है, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अगर आप चाहें तो इस पे काम कर सकते हैं, वरना नहीं काम कर सकते हैं। क्यों मैंने इसको ले लिया है, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ आप लोगों को इसको बताना चाहिए, तो इस कीवर्ड पे भी आप काम कर सकते हैं। इसका CPC थोड़ा सा हाई है, इसलिए आपको बोले इसको आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। या पाकिस्तान से भी अगर आएगा कीवर्ड्स आपका यहाँ पे वॉल्यूम आप आएगा यहाँ पे LSI ये सब यूज करिएगा तो आप लोग रैंक कर जाइएगा। अगर इस पे आपको मान हो तो काम कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा इस कीवर्ड पे। लेकिन ये स्टेटस फॉर व्हाट्सएप पे बहुत ही अच्छा कीवर्ड्स है।
तो आज का हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वो देख सकते हैं रिपब्लिक डे। दोस्तों मैं क्या कहूँ, इस कीवर्ड से अच्छा आपको कोई कीवर्ड अभी के डेट में नहीं मिल सकता है, क्योंकि रिपब्लिक डे आने वाला है, कुछ दिन में आ ही जाएगा, अभी लेट है। लेकिन अगर आप इस पे वर्क करते हैं, इस कीवर्ड पे, तो आप पहले से वर्क कर रहे हैं तो आप आराम से इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं। थोड़ा सा सीपीसी कम है लेकिन इस पे आप रैंक कर सकते हैं। रिपब्लिक डे के दिन आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम नंबर देखिएगा, उस दिन लाखों में ट्रैफिक आएगा, लाखों में उस दिन ट्रैफिक आएगा। ये सब छोड़ दीजिए यहाँ पे इसका, क्योंकि रिपब्लिक डे आपको या सीजन वाइज आता है, इसलिए अगर आप शुरू अभी से लिख देते हैं इस पे तो आपको यहाँ पे उस दिन लाखों में ट्रैफिक, अगर उस दिन आप कम से कम इस कीवर्ड से, मैं बता रहा हूँ, अगर टॉप में रैंक कर रहे हैं तो इस कीवर्ड से आप कम से कम $1,000 से ऊपर निकाल लीजिएगा, अगर फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं तो सबसे अच्छा मौका है अभी फर्स्ट पे रैंक करने का। अगर आप लोग रैंक कर जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप लोग समय समय पर सिर्फ अपडेट करते रहिएगा, यानी कि हर एक महीना या दो वीक तीन वीक में आप लोग एक आर्टिकल, मतलब एक शायरी वहाँ पे ऐड करते रहिएगा, बस आपका और वहाँ पे आर्टिकल अपडेट हो जाएगा, और फिर आपको गूगल भी चाहेगा कि हाँ यह बंदा यहाँ पे ठीक है अपडेट कर रहा है तो इसको भी रैंक करना यहाँ रहने देना चाहिए। तो आज का हमारा अंतिम कीवर्ड्स जो है वो आप देख सकते हैं एटीट्यूड्स फॉर बॉय। तो अभी मैंने गर्ल्स के लिए बताया, अब तो बॉय भी तो एटीट्यूड में रहता है ना, उनके लिए भी बताया, उनके लिए भी देख लीजिए। और यहाँ पे इजी है रैंक करना, बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, रैंक कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं 7.7 के है, और यहाँ पे क्लिक देख सकते हैं इतना आता है। सीपीसी पर तो छोड़िए, सीपीसी मत देखिए आप लोग, सीपीसी बहुत ही हाई है सीपीसी यहाँ पे। और इसका सर्च यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है। तो यह कीवर्ड्स बिल्कुल नहीं आसान है आप सभी के लिए रैंक करना, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रैंक करना है तो आपको देख सकते हैं कि बिल्कुल आसान है। ब्लॉग स्पोर्ट जब रैंक कर सकता है तो आप लोग भी रैंक कर सकते हैं यहाँ पे। यह ब्लॉग स्पोर्ट जब रैंक कर सकता है तो आप लोग भी आराम से रैंक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉग स्पोर्ट देख सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर, इस पर कॉल कीजिए, आपको फुली कोर्स का जानकारी दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आर्टिकल लिखिए, मस्त रहिए।